ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ। ਸਰਹੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੋੜੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੋਮਾਲੀਆ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਸਕੇ। दिल दे रिश्ते सरहदा नहीं देखते, इस साबित कर दिखाया भारत ते पाक दे विच रहण वाले इन्हां दोहां जीआं ने, जिन्हां नूं प्यार होया ते प्यार दे जरिए ही दोहां ने इक होण दी ठान लई। मंगणी भी हो चुकी है, सब कुछ तय हो चुकिया सी, लेकिन बावजूद उसदे ओह इक ना हो सके। दरअसल भारत दे रहण वाले कमल कल्याण अते पाकिस्तान दी रहण वाली सुमाइलिया दा विआह होणा सी, पर कोरोना महामारी दे करके लग्या लॉकडाउन दोहां दे इक होण दे विच अड़िका बन के सामने आया तो दोहां दे विच दूरी होर भी ज्यादा वध गई। ते हुण सुमाइलिया ने वीडियो कॉल दे जरिए भारत दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं वीजा देण दी अपील कीती है। शादी में फंक्शन अटेंड किया था वीडियो कॉल पे, तो फिर उसके बाद सब ने एग्री किया, फ्रेंडशिप हुई, तो फिर सब ने को बताया कि ऐसे ऐसे हम रिलेशन में है, तो फिर सब ने एग्री किया इस रिश्ते को। ठीक है, हुण फंक्शन पर है। हुण की कहना चाहंदे हो तुसीं? चक्कर तो मैं फिर मेरे पापा भी मैं भी फिर क्या भी कोई गल नहीं है कि भैन जी ने गल करके देख लें असी वे भैन जी है जड़े गए फिर उन्होंने असी कहा भी भैन जी इदा इदा गल वाएगी तो उन्होंने फिर अगे गल चलाती सी कहिंदे कोई गल नहीं है भी ठीक है कर देवांगे असी। हुण वेखणा यह होएगा कि कोरोना के करके लग्या यह लॉकडाउन दोहां नूं किन्ने समय के लिए दूर रख पाता है। उम्मीद की जा रही है कि दोहां का विआह छेती ही हो जाए। राजीव वधवा, जी मीडिया, जलंधर।